नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, जासूसी अब से नहीं, सदियों से हर देश हर राज्य कराता रहा है। राजा महाराजा भी जासूसी करवाते थे अपने आप को मजबूत करने के लिए, और इस समय भी हर देश जासूसी करवा रहा है, चाहे वो उसका मित्र देश हो चाहे वो उसका दुश्मन देश हो। लेकिन जिस देश में जासूसी हो रही होती है उस देश को ये पसंद नहीं होता कि उसके देश की कोई बात बाहर लीक हो जाए, और वो जो लीक होने से डरता है देश, यही जासूसी होती है, ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन जिसे वो छिपा के रखना चाहते हैं वो निकाल सके, और शायद वो जो जानकारियां हैं वो उसके देश के काम आ सके। और जासूस के लिए इस समय हर देश अच्छी खासी फंडिंग कर रहा है। एक तरह से जो जासूस होता है उसकी देश और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, उसको अच्छी खासी रकम देती हैं, और उसके पीछे उसके परिवार को भी काफ़ी ख्याल रखती हैं, उसका वो भी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। ये सब उसका जो एक फिक्स अमाउंट होता है उसके अलावा सारे उसको ये सुविधाएं दी जाती हैं। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि जासूसी जो है जिसके बारे में मैंने एक भूमिका बनाई है, मैं आपसे क्यों बात कर रही हूँ। ये दरअसल एक शख्स था जिसने 22 साल के बाद कानूनी लड़ाई जीती, और वो लड़ाई क्या थी? वो लड़ाई ये थी कि वो एक दूसरे देश में जाता है और वहाँ पर पकड़ लिया जाता है, और उसके बाद फिर क्या होता है मैं आपको सारी बात बताऊंगी, किस तरीके से वो कानूनी लड़ाई लड़ता है, कितनी दुश्वारियों से वो गुजरता है। आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपके दिल को छू जाए तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जो आपका मन कहे। तो मैं बात करती हूँ कि वो जासूस कौन था जिसको अपने हक के लिए अपने ही देश में लड़ाई लड़नी पड़ी, और बाकायदा कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। ये शख्स था महमूद अंसारी, जो 1966 में डाक विभाग में काम कर रहा था। भारत सरकार की स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस ने उसे 1972 में देश के लिए सेवाएं देने के लिए कहा, और उन्हें एक सीक्रेट मिशन के लिए पाकिस्तान भेजा गया। अंसारी भाग्यशाली रहे और सौंपे गए काम को उन्होंने दो बार पूरा किया, लेकिन तीसरी बार जो है वो पाकिस्तान के रेंजर्स के हत्थे चढ़ जाते हैं। फिर क्या था, 23 दिसंबर 1976 में अंसारी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंसारी का कोर्ट मार्शल होता है, उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, ये पाकिस्तान का कानून है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसकी धारा 3 के तहत मुकदमा चलता है और 14 साल की जेल सुनाई जाती है। 14 साल जेल में रहना, और वो भी दुश्मन देश की जेल में रहना, कोई आसान बात नहीं होती है। बहुत सारे वहाँ कहना चाहिए कि कष्ट झेलने पड़ते हैं, वो एक अलग बात है। अब अपने देश में आके जो उन्होंने कष्ट भोगा, मैं उसकी भी बात आपको बताती हूँ। 1979 में जब अंसारी रिहा होकर के लौटते हैं तो उन्होंने नौकरी के लिए अधिकारियों से संपर्क किया, तो उन्हें बताया गया कि उनकी सेवाएं तो 31 जुलाई 1980 को ही समाप्त कर दी गई थी, और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी 2000 में बहाली और बैक वेज की उनकी याचिका खारिज कर दी। 2017 में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी देरी और अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद अंसारी ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार लगाई। सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत सिंह बनर्जी ने कहा था कि राज्य की याचिकाकर्ता से कोई लेना देना नहीं है। अंसारी को आखिरी बार 19 नवंबर
1976 में पेमेंट कर दी गई थी और 1977 के बाद उन्होंने अपनी सैलरी नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट जब वो पहुंचते हैं तो कोर्ट ने याचिकाकर्ता के जासूसी मिशन और पोस्टल डिपार्टमेंट में नौकरी के करने के तथ्यों दोनों पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इसके बाद सीजेआई यूयू ललित ने पीड़ित के पक्ष का फैसला सुनाया। आज जो मैं आपसे बात कर रही हूँ इसका मकसद यही है क्योंकि आज ये फैसला आया है। पारिवारिक हालतों को देखते हुए जो फैसला आया उसमें ये कहा गया है कि इन्हें गुजारा भत्ता दिया जाए और ये पहले 5 लाख तय हुआ था, लेकिन चूंकि अब इनकी उम्र 75 साल हो चुकी है और बेटी पे ये निर्भर है उसको देखते हुए ये जो मुआवजा है इसको 10 लाख कर दिया जाए। कोर्ट ने पाकिस्तान की अदालत के फैसले का भी जिक्र किया जिसमें याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया था। साथ ही ये भी कहा कि सजा का आधार एक भारतीय का पाकिस्तान में जासूसी करते पाया जाना और सजा मिलना नहीं है, सजा का आधार है कि वे रेजिमेंट का हिस्सा थे। एक वर्दीधारी सैनिक के रूप में उन्होंने कुछ काम किए, यानी कि जो मिशन उनको दिया वो उन्होंने किया, इसलिए कोर्ट मार्शल किया गया और दंडित किया गया। जस्टिस भट्ट ने याचिकाकर्ता अंसारी से कहा कि आप पाकिस्तानी रेंजरों का हिस्सा थे, यदि आप वाकई एक विध्वंसक भूमिका में गए थे तो आपको बताना चाहिए था। याचिकाकर्ता के वकील ने यह कहा कि उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने 1987 में रिहा कर दिया था तो 2 साल तक पाकिस्तान के भारतीय दूतावास में उनको रखा जाता है और 1979 में वो भारत लौटते हैं। अब कोर्ट ने बहुत ही खूबसूरत फैसला दिया है उनके लिए। कोर्ट ने यह कहा है कि सरकार को पाकिस्तान की जासूसी करने वाले भारतीय को 10 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया यानी कि मुआवजा देने का दिया जाए उसको, और महमूद अंसारी नाम के इस शख्स का दावा था कि उसे सीक्रेट मिशन पे पाकिस्तान भेजा गया था, लेकिन वहां पकड़े जाने के बाद उसे 14 साल तक जेल में रखा गया और मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस यूयू ललित ने और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने की। और आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट तक उस शख्स को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर उस समय की सरकार स्टेट गवर्नमेंट अगर इस पूरे मामले को ठीक तरीके से इंटरवीन करती तो ऐसे हालात नहीं पैदा होते, क्योंकि वो 75 साल के हो चुके हैं और देश के लिए मिशन पे गए थे, जो काम उन्हें सौंपा गया था वो उन्होंने किया और वो काम करते करते उनको गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद उन्होंने 20 साल लंबी लड़ाई लड़ी, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों ये जो शख्स है इनके लिए मेरे मन में भी बड़ी सहानुभूति आ रही है कि वो अपने देश के लिए गए हैं मिशन पे और 20 साल उनको अपने ही देश में मुकदमेबाजी करनी पड़ी, आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुनी। आप क्या कहते हैं, आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय मेरे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।